के वो कह रहे हैं कि मैं असहाय हूं, मैं मजबूर हूं। क्यों मजबूर हूं? क्योंकि मेरी सरकार गठबंधन की सरकार है। मैं मन में सोच रहा आवाज पहचानी आपने, आई एम श्योर आपने आवाज पहचान ली होगी। ये हमारे प्रिय एल के आडवाणी जी, जो कि उस समय के डेप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। हम आज बात करने वाले हैं एल के आडवाणी जी को नीचे उतारने वाले स्टेज से, उनकी रैली के टाइम पे, जब उनका दबदबा हमारे आज के मोदी जी हैं उनके समान ही उस समय पहुंचता था, तब उनका सिक्का और पावर बोलती थी। और वो उस समय डेप्टी प्राइम मिनिस्टर थे जब वो रैली पर अपनी स्पीच दे रहे थे, भारत उदय यात्रा का नारा लेकर गांधी मैदान पटना में। ये स्टेज पर चढ़कर उन्हें स्पीच रोकने और उतारने वाले हमारे थे डॉक्टर गौतम गोस्वामी, या फिर आईएएस ऑफिसर गौतम गोस्वामी, बिहार कैडर के 1991 बैच के। हाँ जी दोस्तों, मैं दीपक, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर गौतम गोस्वामी की और उनके काम की। और इस इंसिडेंट को बताते हुए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ऐसे देखते रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। इससे कंटेंट प्रमोट होगा और हमें भी पता लगेगा कि हमें ऐसी सीरीज़ और आगे करनी चाहिए। इस सीरीज़ का नाम है आईएएस की बात, जिसमें हम आईएएस से रिलेटेड किस्से और उनकी लाइफ स्टोरीज शेयर करते हैं आप सबको। तो आइए दोस्तों, मैं आपको ये किस्सा आडवाणी जी के नज़रिए से बताऊं या गोस्वामी जी के नज़रिए से। गोस्वामी जी के नज़रिए से ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको इंटरेस्ट भी आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मीठी मीठी ठंड है, रात का समय है और आज तारीख है जनवरी 4 और साल है 2004। आज बड़े नेता एल के आडवाणी जी की रैली है गांधी मैदान पटना में। समय हुआ है 9:20 और एल के आडवाणी जी गांधी मैदान पहुंचते हैं अपने रैली को संबोधित करने के लिए, भारत उदय का नारा लेकर, और स्टेज पर जाकर बैठ जाते हैं। उनका इंट्रोडक्शन चल रहा होता है और समय होता है 9:40। आडवाणी जी आते हैं बोलने के लिए, अपनी स्पीच स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर समय को रोकते हुए अब चलते हैं गौतम गोस्वामी जी के पास उनकी जीप में। जीप मैजिस्ट्रेट से होकर गांधी मैदान की तरफ मुड़ती है और गांधी मैदान में एंट्री करती है सायरन के साथ। गौतम गोस्वामी जी जीप से उतरते हैं और स्टेज पर चढ़ते हैं और बोलते हैं, आडवाणी जी यू हैव टू स्टॉप, सॉरी सर बट आई हैव टू डू दिस, क्योंकि समय हो चुका है रात के 10 और मॉडल ऑफ कंडक्ट लग चुका है। बस उनको इतना बोलना था। और स्टेज पर बैठे हुए नीतीश कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा और मोदी जी, दिल्ली वाले नहीं बिहार वाले, खड़े होकर एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगते हैं। आडवाणी जी सुन होकर गोस्वामी को सिर्फ ताकते रहते हैं। इसी समय गोस्वामी जी बोलते हैं और वो लेटर पढ़ते हैं जिसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के रूल लिखा है, और आडवाणी जी को रिक्वेस्ट करते हैं कि सर यू नीड टू स्टॉप दिस बिकॉज ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है और 10 बज चुके हैं, अब आप रैली में या किसी भी तरह का प्रमोशन प्रचार नहीं कर सकते। आडवाणी जी क्या करें, मीडिया है, प्रेस है, जनता है, ऊपर से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, तो उनको उनकी बात माननी पड़ी और उनको शालीनता से नीचे उतर जाना पड़ा। लेकिन आडवाणी जी नीचे तो उतर रहे थे लेकिन उनको ये बात ईगो पर भी लगी थी, इसीलिए कुछ समय बाद गौतम गोस्वामी जी पर इलीगल बेसलेस केसेस होते हैं जिसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना होता है और उनके ऊपर कमेटी भी बैठती है। इसी टाइम वो जेल से बाहर आते हैं और उनके जेल से बाहर आने और उनकी पोस्टिंग के बीच का जो समय था, उस समय के बीच वो HIV एड्स जैसे पेशेंट्स का मदद करते हैं, फ्री में उपचार करते हैं, क्योंकि वो MBBS डॉक्टर थे। और इसी टाइम उनके कुछ कैंसर के सिम्टम्स जनरेट होते हैं और वो 2009 में एक्सपायर हो जाते हैं। ये थे हमारे डॉक्टर गौतम गोस्वामी जी, यानी कि IAS ऑफिसर गौतम गोस्वामी जी, जो कि 1991 बैच के बिहार कैडर के IAS ऑफिसर हैं। उन्होंने उस समय बहुत से ऐसे काम किए जिसके लिए उन्हें एशियन हीरोज़ का अवार्ड भी मिला
क्योंकि उन्होंने बिहार फ्लड रिलीफ के टाइम बहुत अच्छा काम किया था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमें हमारी गलतियाँ बताएं कमेंट में। अगर अच्छी लगी तो आप कमेंट में हमें प्रेज़ भी कर सकते हैं। थैंक यू।